प्रवेश जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो पहला सवाल आपसे ही। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कंपटीशन चल रहा हो। ऐसी तस्वीरें देखकर क्या आप शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? अब आप बिल्कुल बहुत ही शर्मसार होता है और सारे देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता बहुत अपना दुखी होगी ये देखकर कि उन्होंने जिन लोगों को अभी अभी पार्षद चुना है वो कैसे आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे। इसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि सारे माननीय वहां पे लड़ रहे थे। मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर अच्छा खासा शपथ स्टार्ट हो गया था, एक पार्षद ने शपथ भी ले ली थी, उसके बाद में कोई बीजेपी का पार्षद वहां पर नहीं उठा, केवल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उठकर, ना केवल वो उठे बल्कि अपने अपनी सीटें छोड़कर सारे स्टेज के ऊपर चढ़ गए। वहां पे जो मेयर ऑफिसर थी सत्या शर्मा उनके पास पहुंच गए, जहां पर शपथ चल रही थी उस व्यक्ति के हाथ से सारे कागज छीन लिए, जितने कागज पड़े थे टेबल पर सबको उठा लिया, माइक को तोड़ दिया, वहां पे कमिश्नर के पास चले गए और एक नहीं दो नहीं 50-60 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने वो लोग ये हंगामा करते हैं। जो चुने हुए पार्षद आप अच्छे से जानते हैं दिल्ली, ठीक है सौरभ भारद्वाज जी जुड़ेंगे, मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आम आदमी पार्टी की जो चुने हुए पार्षद हैं पहले उनको शपथ दिलाई जाती है, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया। कौन से पहले जो अपना चुने हुए पार्षद है उनको शपथ दिलाइए? आप मेरे को वो एक्ट दिखाइए, आप मेरे को वो डीएमसी का एक्ट का वो वाला पैराग्राफ दिखाइए जहां पर ये लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वो वाला नोटिफिकेशन कल पढ़ा है। अगर इनको कोई आपत्ति होती तो कल ही इनको चिल्लाना चाहिए था। मैंने दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ा है जहां पर वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको नई दिल्ली का डीएम पहले शपथ दिलाएगा और उसके बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो बाकी पार्षदों को शपथ दिलाएगा जी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, जो मनोनीत पार्षद है वो केवल 10 है, जो इलेक्टेड पार्षद है वो 250 है जी। तो आप पहले 10 को शपथ दिलाकर उसके बाद में 10-10 के लॉट में 250 पार्षदों को शपथ दिलाना था। अब आवाज दोबारा चलेगी, आवाज बात है ना कि पहले मनोनीत क्यों और बाद में इलेक्टेड क्यों? तो पहले इलेक्टेड होता बाद में मनोनीत होता, तो सारे पार्षद की पावर एक है, सारे पार्षद का नाम पार्षद है, तो अगर पहले उनको और बाद में उनको ये क्या झगड़ा है? ठीक है सर, अब झगड़ा आप लोग जिस नाम पर करें, चाहे परंपरा के नाम पर करें, चाहे नियम के नाम पर करें, चाहे आपस में जिस तरह की भी कला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखे, लेकिन इससे क्या जनता का नुकसान नहीं हो रहा है? दिल्ली के लोगों ने अगर चुनकर आपके भी पार्षदों को बड़ी तादाद में भेजा है, आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन अगर झगड़ा और धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आएंगी तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। सौरभ जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप तक? सौरभ भारद्वाज जी, ये तस्वीरें देखकर क्या आप शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? और ये तो अभी ट्रेलर है, 5 साल क्या करेंगे आप लोग? उनको फोन करो कि आवाज नहीं आ रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही जल्दी सौरभ। ठीक है सर, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही हो, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी, कॉम्पिटिशन लगा हुआ है जी। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो सांसद महोदय आपके बीच में बैठे हैं वो ये नहीं बता रहे कि मनोनीत जो पार्षद होते हैं, मतलब वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, वो सिर्फ बेईमानी से एलजी द्वारा बनाए गए हैं और थोपे गए हैं इस हाउस पे। क्या उनको हाउस में वोटिंग का राइट है? उनको वोटिंग का राइट नहीं है और आज उनको इलीगली वोट करा के ये एमसीडी पे कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई ओथ की नहीं है। दूसरी लड़ाई किस चीज की है? ये सांसद है, इस बार दूसरी बार सांसद बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं वर्मा जी से
कि जो प्रो टर्म स्पीकर होता है, जो प्रो टर्म मेयर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, वो कौन होता है? कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। भारद्वाज कह रहे हैं कि एलजी ने बेईमानी से उनको मनोनीत किया। यही नहीं है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, सब कॉर्पोरेशंस में होती है। और हमारे कौन है जो सीनियर मोस्ट पार्षद है? वो है मिस्टर मुकेश गोयल। इन्होंने क्या किया? एलजी साहब से मिलकर अपनी भाजपा की एक पार्षद को इन्होंने हाउस में थोप दिया, वो भी इलीगल है। तो ये दो इलीगैलिटी करने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात कि ये जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है उनको जबरदस्ती वोट दिलवा के एमसीडी में कब्जा करना चाहते थे। और दूसरी बात, जो इलेक्शन सिर्फ मेयर का होना था, ये तीनों इलेक्शन एक साथ करा के अपने इलीगल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंतर्गत इसमें झालमेल करके गड़बड़ी करना चाहते थे, बेईमानी करना चाहते थे। तो मेज पर चढ़ जाएंगे, हंगामा करेंगे, धक्का मुक्की होगी। सौरभ भारद्वाज जी, तो बेईमानी मतलब अगर ताकत है तो मेज पर चढ़कर इस तरह से धक्का मुक्की। प्लीज सौरभ भारद्वाज की आवाज ठीक कीजिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो टीवी के माध्यम से ही, तो एलजी का जो पक्ष आया है वो जरा मैं आपको सुना देती हूँ। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है। कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है। और इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जब एलजी के पास ये अधिकार है तो गैर कानूनी कैसे हो गया ये नॉमिनेशन? सौरभ भारद्वाज जी, एलजी के पास ताकत है ना इस बाबत? बिल्कुल ठीक बात है। आवाज पहुंच रही है सौरभ भारद्वाज तक। चित्रा जी, एलजी साहब यहाँ पे भी, एलजी साहब का ऑफिस यहाँ पे भी खेल कर गया। ये नहीं बता रहे हैं कि इन मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एलजी क्यों नहीं स्पष्ट करते इस बात को कि क्यों आज एमसीडी के अंदर एलजी साहब से आदेश आया कि ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर है जिनको किसी ने वोट देके नहीं चुना, ये लोग हाउस में वोट देंगे। ये कैसे वोट दे सकते हैं? ये इलीगल है। और ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 243 आर और आर्टिकल 243 एस साफ साफ कहते हैं कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं, नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, वो हाउस के अंदर वोट नहीं दे सकते। और प्रवेश वर्मा जी इसको नकार नहीं रहे, अभी तक इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये लोग बेईमानी से इस बार वोट दे, नहीं तो कहें खंडन करें इस बात का।